इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष शैलेश गर्ग का जन्मदिन सियासी अंदाज में मनाया गया। राजनीतिक भेदभाव भुलाकर यहां दोनों की प्रमुख पार्टियों के नेता कार्यकर्ता जमा हुए और केक से लेकर गुलदस्तों तक सब कुछ गैर राजनीतिक अंदाज में चला। देखिए एक खास रिपोर्ट। अग्रवाल समाज के युवा नौजवान, समाज सेवी और शहर कांग्रेस के कोषाध्यक्ष शैलेश गर्ग के जन्मदिन पर इंदौर के नसिया रोड का नजारा बदला बदला था। यहां एक बगीचे में हुए जन्मदिन समारोह में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के नेता कार्यकर्ता जमा हुए थे, जबकि अग्रवाल समाज, वैश्य समाज और कई सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी भी बधाई देने वालों में शामिल रहे। इस मौके पर भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, राजेश शिरोडकर, उमेश शर्मा, मनीष शर्मा मामा, रामदास गर्ग, मोहित वर्मा, मीना अग्रवाल सहित कई भाजपाई मौजूद थे। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल, जय हार्डिया, दिलीप कौशल, रवि गुरनानी, पार्षद चिंटू चौकसे, राजेश चौकसे, अमन बजाज, इम्तियाज बेलिम, संजय बाकलीवाल, धर्मेंद्र गेदर, दौलत पटेल, रमीज खान, चैतन चौधरी, जगदीश जोशी, रॉकी पिल्लई, तत्सम भट्ट, स्वप्निल कामले, सचिन सिलावट, मिन्ना भाटिया, विनीत ठाकुर, सुभाष सिरसिया, नितेश नरवले, वर्ज सोनकर सहित कई कार्यकर्ता भी मुख्य रूप में मौजूद रहे। पूरे समारोह के दौरान गजब का सियासी संतुलन देखने को मिला और शैलेश गर्ग को भी उनके प्रशंसक भावी विधानसभा प्रत्याशी बताने से नहीं चूके, जबकि कांग्रेसियों ने उन्हें सियासी बधाई देकर जमकर जोश भी दिखाया। देखिए लगातार 98 से लेकर 2022 हो गया, 24 साल से जन सेवा, समाज सेवा, राजनीति सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं मैंने काम किए हैं। उसी कामों को देखते हुए आज सभी परिवारजन, राजनीतिक लोग, धार्मिक लोग, सांस्कृतिक लोग, सभी प्रकार के लोग बधाई देने या जन्मदिन की पहुंच रहे हैं। और दो साल के कोरोना काल के जाने के बाद एक अच्छा आयोजन कांग्रेस परिवार का हो रहा है। कांग्रेस के साथी, सामाजिक साथी, सभी लोग यहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मैं बड़ा अभिभूत हूँ कि सभी लोग इतने अच्छे से मुझे बधाई देने सारे लोग पधार रहे हैं। मैं उनका सभी दिल से आभारी हूँ और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में हम लोग सभी मिलजुल कर इंदौर के हित में जो कार्य हो सकते हैं वो सब करें। मैं वही कहना चाहता हूँ कि आज मेरे पास दिन भर में सामाजिक, राजनीतिक, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, जितनी पार्टी है सभी दलों के नेताओं के फ़ोन आए, सबने बधाई दी। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ भी बधाई देने पहुँचे। ये मेरा प्रेम है मेरे प्रति। और अग्रवाल समाज, वेश समाज इंदौर में एक बड़ी संख्या में निवास करता है, जिसका हम लोग कहीं ना कहीं छोटा सा नेतृत्व करते हैं, तो सभी जन या राजनीतिक दल यहाँ पर बधाई देने के लिए पहुँचे। देखो शैलेश गर्ग के जन्मदिन पर मैं बधाई देता हूँ और निश्चित ही नौजवान है और सबके बीच में सामाजिक काम करता है, राजनीतिक भी काम करता है और कांग्रेस के लिए भी काम करता है। इसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूँ, शुभकामना व्यक्त करता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। नहीं, वो हर जगह काम करते हैं कांग्रेस के लिए, पर्टिकुलर जगह नहीं, और निश्चित ही उनको मैं बधाई भी देता हूँ, शुभकामना व्यक्त करता हूँ। साथ ही वो सामाजिक काम में भी अग्रणी रहते हैं और सोशल काम में भी अग्रणी रहते हैं, इसलिए उनको बधाई, शुभकामना और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो दिन प्रतिदिन उनकी उम्र और बढ़े और समाज को नई दशा और दिशा दे। धन्यवाद। राजनीतिक रूप से भी काम कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से भी भविष्य उज्ज्वल है भाई। आने वाले समय में मेहनत जितनी करेंगे उतना भविष्य उज्ज्वल है और निश्चित ही भविष्य कांग्रेस में अगर काम करते रहेंगे तो हर आदमी को कांग्रेस में मौका मिलता है, चाहे वो संगठन में हो, चाहे सत्ता में हो, चाहे कहीं भी हो। धन्यवाद। कुल मिलाकर नसिया के बगीचे में हुआ ये सियासी मिलन पूरी विधानसभा 3 में चर्चाओं का विषय बन गया है और आने वाले कल में ये कोई नया सियासी समीकरण न पैदा कर दे, ये संकेत मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।